राजस्थान से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। भाजपा ने राजस्थान में राष्ट्रीय व राज्य के समीकरणों को साधते हुए सभी के अनुमान के विपरीत और 2024 के चुनाव के भी मद्देनजर राजस्थान में विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी है। भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान के नए स्पीकर होंगे। देखिए नमस्ते राजस्थान की पूरी न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। आखिर राजस्थान को उसका सीएम मिल ही गया और जो बाकी पोस्ट थी यानी उप सीएम की पोस्ट वो भी दे दी गई, तो राजस्थान के विधायक दल की बैठकों में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर जो है लगा दी गई है। भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है और राजस्थान विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी गई। भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। सांगानेर सीट से विधायक हैं, पहली बार इस सीट से विधायक बने हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान के नए स्पीकर होंगे। भजन लाल शर्मा की जीवनी के बारे में बात करें, भजन लाल शर्मा ने 4 बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव के रूप में कार्य किया है। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में विधायक विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों के अंतर से हराकर अपना स्थान सुरक्षित किया है। भजन लाल शर्मा का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो शर्मा का जन्म 1967 में राजस्थान के जयपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी बाधित नहीं होने दिया और उन्होंने स्नातक की डिग्री पूरी की। बाद में राजनीति में अपना करियर बनाने का फैसला किया। भजन लाल शर्मा पहली बार बने थे विधायक। भजन लाल शर्मा राजस्थान की सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रदेश महामंत्री का पद भी संभाल रहे थे। भरतपुर से ताल्लुक रखने वाले 56 वर्षीय भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और खास बात यह है कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वह पहली बार विधायक बने हैं। भजन लाल शर्मा को संघ और संगठन दोनों का करीबी माना जाता है। भजन लाल शर्मा जो हैं की वोट की गिनती की और जीत की बात करें तो भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें अपने पहले चुनाव में 1,45,162 वोट मिले। उनके सामने चुनाव लड़े कांग्रेसी पार्टी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 97,081 वोट मिले। दिया कुमारी विद्याधर नगर और प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा से विधायक हैं। वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक हैं। 56 साल के भजन लाल शर्मा के पिता का नाम किसान स्वरूप शर्मा है। भजन लाल शर्मा का एक लंबा और प्रतिष्ठित राजनीतिक करियर है जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। मुख्यमंत्री की भूमिका संभालने से पहले उन्होंने पार्टी के भीतर अपने संगठनात्मक स्किल और लीडरशिप स्किल का प्रदर्शन किया। राजनीति में शर्मा का प्रवेश 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ हुआ था। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया और पार्टी के विभिन्न पद पर रहे। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को जल्द ही पार्टी ने पहचान लिया और उन्हें 2013 में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में चुना गया। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज भजन लाल शर्मा जो हैं उनको जो है वो सीएम का पद, राजस्थान के सीएम का पद मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है और वहाँ के जो पुराने संगठन के लोग जो काम कर रहे थे उनके लिए बड़ी बात है कि आज नए सीएम जो है मिले हैं और एक नया नाम सामने आया। खबरों का इंटरव्यूज का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।